स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आपको पता होगा कि टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस बार नियम बदल दिया गया है। टैबलेट का जो वेरिफिकेशन लिस्ट है, उस लिस्ट के आने के बाद सभी बच्चों को अपना ईकेवाईसी करना है, यानी आधार कार्ड के द्वारा अपनी पहचान को प्रमाणित करना है। उसका प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और इससे जुड़ी वीडियोज़ आपको लगातार ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती हैं। प्लस आईटीआई की अन्य जानकारी भी आपको इसी चैनल पर मिलती है, परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं, और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आप चैप्टर वाइज बेसिक से सभी सब्जेक्ट की क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट देने की भी सुविधा होती है, सब मिलाकर अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। बात करते हैं कि अगर आपका नाम है लिस्ट में, और ये कैसे पता चलेगा, आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने कॉलेज की जो लिस्ट डाउनलोड की, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कुछ केसेस हैं जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया, तो वो कौन से लोग हैं, क्यों ब्लॉक हुए हैं। तो उसके बाद जो बचते हैं बच्चे, जो लोग ब्लॉक नहीं है, वेरीफाइड हैं, उन लोगों को अपना ई केवाईसी करना है। और कहाँ करना है? डीजी शक्ति पोर्टल पर करना है ई केवाईसी। और जैसे आप डीजी शक्ति गूगल में सर्च करोगे, गूगल में जाओ, डीजी शक्ति सर्च करो, पहली वेबसाइट आएगी dgshakti.up.gov.in। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई कर रहे वाले जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे, आईटीआई कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखो, इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले एक वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है। आप चाहो इस वीडियो को देख लो, तब आपको मेरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया गया है कि आपको ई केवाईसी कैसे करना है, किसको करना है। अपने कॉलेज से पूछ के करिएगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से आपने करना शुरू कर दिया। और जो यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने, सबका अलग अलग है। फिलहाल मैं आईटीआई का बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ ऊपर दिख रहा है मेरा पहचान, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यूनिवर्सिटी सोसाइटी बोर्ड पूछेगा, तो इसमें आपको, आप आईटीआई के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए ये प्रोसेस है, तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। क्योंकि हमारा एनसीबीटी से आईटीआई होता है, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया है वो स्टेट लेवल पर एससीबीटी करता है, इसलिए यहाँ पर आपको एससीबीटी सेलेक्ट करना है। आप एनसीबीटी में आईटीआई कर रहे हो, एससीबीटी में कर रहे हो, उत्तर प्रदेश में आईटीआई कर रहे हो, तो सबको यही सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे स्किल काउंसिल, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको कॉलेज का नाम शो करेगा। जैसे आर, मुझे सर्च करना है आर एन ग्लोबल, ठीक है, तो मैं ग्लोबल छोड़ देता हूँ। शुरू के दो वर्ड सर्च करता हूँ तो आ जाएगा यहाँ पर आर एन, थोड़ा सा एक बार मुझे लग रहा है स्पेस ज़्यादा हो गया है, फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर कॉलेज कोड डायरेक्टली टाइप करके तब भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे, आर स्पेस एन, ठीक है, लिस्ट में आपको सर्च करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं खुद ही यहाँ पर ढूंढ रहा था तो नहीं मिल रहा था, बट जैसे मैंने ग्लोबल टाइप किया, उसके बाद इसको स्क्रॉल किया नीचे की तरफ, तो जैसे मेरे आईटीआई कॉलेज का है कोई स्टूडेंट, वो करना चाहता है तो क्या सेलेक्ट करेगा, आर एन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई। यहाँ पर कॉलेज कोड है 3213 गाजीपुर। ये तो आपको अपने कॉलेज का कोड क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ग्लोबल नाम से देख रहे हैं ना, बहुत सारे आईटीआई हैं, सबका अपना यहाँ पर देखिए कोड अलग है, 3257 है, कोई गाजियाबाद, कोई इलाहाबाद, कोई गोरखपुर, तो नाम कॉमन हो सकता है, बहुत सारी ग्लोबल आईटीआई हैं। बट जो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं उनको क्या करना, आर एन ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई सेलेक्ट करना, कौन सा यहाँ पर कोड रहेगा, 3213, ठीक है। तो आपके अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा, आपका जो कॉलेज है उसका भी अपना अलग नाम और कोड होगा इस पोर्टल पर। तो इसको करने के बाद यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर देना है, इनरोलमेंट नंबर जनरली 3213 जो कॉलेज कोड होता है, यहाँ पर ये देख रहे हैं 3213 कॉलेज कोड है, तो उसी से लगभग शुरू होता है, और ये काफ़ी लंबा 10-12 अंकों का होता है। तो ये इनरोलमेंट नंबर एनसीबीटी का रोल नंबर नहीं है, यह जो है स्टेट, जब एडमिशन होता है स्टेट गवर्नमेंट एक इनरोलमेंट नंबर देती है, और ये जो है आईटीआई कॉलेज के लॉगिन पोर्टल पर शो कर रहा है सभी बच्चों के नाम के सामने। जैसे हमने अपने बच्चों के लिए वो लिस्ट शेयर कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसी तरह से आप अपने कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा, वहां आपको अपना रोल नंबर, सॉरी इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। और कौन सा इनरोलमेंट नंबर, ये स्टेट का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एनसीबीटी का नहीं चलेगा। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ एंटर करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे आप करोगे कैप्चा एंटर और सर्च, मैं यहाँ पर एक, यहाँ पर सैंपल स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे एक मैंने बच्चे के यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डाला, ये बोर्ड वगैरह सेलेक्ट किया, कॉलेज नेम सेलेक्ट किया, कैप्चा यहाँ पर एंटर किया और सर्च किया, तो क्या हुआ, सर्च होने के बाद इस बच्चे का पूरा नाम आ गया। यहाँ पर देखिए इनरोलमेंट नंबर, नाम वगैरह आ गया, और इसके सामने देखिए लिख रहा है आधार की वाई सी स्टेटस में क्या लिख रहा है, यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है। तो
यही आपको देखना है, सबसे पहले वेरिफिकेशन करने से पहले आपको यही चेक करना है कि आपका स्टेटस क्या है। आपका स्टेटस पेंडिंग है तो आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा वेरीफाई थ्रू द लॉग इन ई प्रमाण मेरी पहचान, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, नीचे क्लिक कर एक नया पोर्टल ओपन हो जाएगा मेरी पहचान नाम से, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इस पोर्टल पर आपको क्या करना है, नीचे यूजर नेम मोबाइल, तो अगर आपका पहले से अकाउंट है, मेरी पहचान एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, अगर पहले से अकाउंट है ठीक है, नहीं है मोस्टली मैक्सिमम बच्चों का पोर्टल पर अकाउंट नहीं होगा जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको माइनस कर देता हूँ, जूम ज़्यादा है, नीचे क्लिक करना है, लिखे न्यू यूजर साइन अप मेरी पहचान, क्या लिखा हुआ है नीचे, न्यू यूजर, क्योंकि आप पहली बार इस पोर्टल पर आ रहे हो तो आप न्यू यूजर पर यहाँ पर करोगे क्लिक, साइन अप करोगे मतलब अकाउंट बनाओगे, जैसे आप अपना फेसबुक पर अकाउंट बनाते हो उसी तरह से मेरी पहचान पोर्टल ये वेबसाइट पर आपको अकाउंट बनाना है। अगर यहाँ से नहीं ओपन हुआ तो आप डायरेक्टली गूगल में भी सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली आप गूगल में आओगे तो भी सर्च कर सकते हो, गूगल में जाकर ई प्रमाण डॉट जी ओ वी डॉट इन करके वेबसाइट है, और इसमें जाकर आप, इसमें भी आप क्लिक करके यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ से जाकर इस वेबसाइट पर आ सकते हो, रजिस्ट्रेशन के जो वेबसाइट है ना। बट वहाँ से जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है ये वाला सिंपल है, तो आपको वहाँ पर लॉगिन करने पर दिखाएगा ही। तो इस पर आने के बाद आपको अगला पेज आएगा, और अगले पेज पर मांगेगा आपसे मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, और जनरेट ओटीपी क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर आपको एंटर करना और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई होने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम, अपना नाम जो भी आपका नाम विवेक है तो आप यहाँ विवेक टाइप करिए, अपना पूरा नाम, जैसे विवेक सिंह यादव है विवेक सिंह यादव लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखिए, सही लिखिए जैसा असली नाम है। उसके बाद मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर सेलेक्ट करिए, यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, ईयर, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। पर्सनल मैसेज में आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, मान लेते हैं आपका नाम विवेक है तो विवेक लिख दीजिए। यूजर नेम में जनरली आप विवेक लिखोगे तो यूजर नेम विवेक नाम से अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, विवेक उसके आगे, जैसे आप लोग फेसबुक पर या कहीं आईडी जीमेल पर बनाते हो तो आगे नहीं कुछ शब्द जोड़ देते हो, तो आप चाहो अपने आईटीआई का नाम भी जोड़ सकते हो, जैसे मैंने आरएन इस तरह से कर दिया, विवेक आरएन आईटीआई इस तरह से कर दिया, तो क्या होगा, एक यूजर नेम बन जाएगा। यूजर नेम जैसे फेसबुक या आप जीमेल पर नहीं बनाते हो क्योंकि विवेक नाम से बहुत सारा होगा, तो आप विवेक आरएन आईटीआई करके एक बार देख लीजिए, अवेलेबल होगा तो ले लेगा ये नाम। फिर आपको पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा, जैसे होता नहीं कि कैपिटल पहला शब्द बना लिया, एडमिन@ लगा लिया, 123 इस तरह से, और पासवर्ड को आपको दो बार यहाँ पर और यहाँ पर दो बार टाइप करना है पासवर्ड, और इसको नोट कर लीजिएगा, अपना यूजर नेम याद अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर 3×2 मल्टीप्लाई होने पर कितना आएगा, 6 आएगा, तो आप में जो क्वेश्चन पूछ रहा होगा यहाँ पर आपको जवाब देना है, और इस पर टिक कर देना है और साइन अप पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका नया पेज आएगा, और नए पेज पर मैं आपको स्क्रॉल करके ले चलता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए नाम डेट ऑफ बर्थ हमने एंटर कर दिया, और यहाँ पर विवेक आर एन जी पी आई टी आई यूजर नेम दे दिया और पासवर्ड बना दिया। उसके बाद यहाँ पर 3×2 क्या हो गया, 6 हो गया, कंसर्न पर क्लिक किया, साइन अप पर क्लिक किया। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन आएगी, इसको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद आधार नंबर आपसे मांगेगा, क्या मांगेगा, आपका आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पर देना है। आधार नंबर यहाँ देने के बाद यहाँ पर आप पूछेगा ओटीपी कैसे चाहते हैं, ईमेल पर चाहते हैं कि मोबाइल पर, तो संभवतः आप लोगों का आधार का जो है मोबाइल पर ही ओटीपी आता होगा, तो मोबाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा मोबाइल पर, और नीचे की तरफ आएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोबारा से पूछ रहा है 8-1 क्या है, 7, तो जो भी आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगा वो यहाँ पर एंटर कर देना है सॉल्व करके। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चलिए, वेरीफाई थ्रू क्या है यहाँ पर, फिर जैसे यहाँ पर ये कैप्चा दे रहा है ना, 8-1 कितना होगा, 7 होगा, इसी तरह से आपसे जो भी पूछेगा वो यहाँ पर एंटर करने के बाद क्लिक कर दीजिएगा वेरीफाई थ्रू EKYC। इस पर करने के बाद आपका फिर से नेक्स्ट पेज आ जाएगा, सब कुछ आपका सही रहा तो नेक्स्ट पेज पर कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा ओटीपी के लिए, आधार नंबर जो आप दिए थे उसका ओटीपी पूछेगा। ओटीपी यहाँ पर देने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे, आपका सब कुछ सही रहा यानी एडमिशन में जो आपका नाम है वही आधार में आपका नाम है मैच करेगा, तुरंत सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद अगर आपका नहीं वेरीफाई होता है तो यहाँ पर अलर्ट वगैरह आ जाएगा, जैसे किसका वेरीफाई नहीं होगा, जिसका नाम यहाँ पर कुछ और है, कॉलेज में नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, नहीं तो आपका वेरीफाई लिख देगा सक्सेस। अब जब सक्सेस हो जाएगा तो आपका
ई केवाईसी हो गया कि नहीं हो गया, उसके लिए आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं, यानी इसी वेबसाइट पर आपको वापस जाना है डीजी शक्ति पोर्टल पर, और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर अपना पूरा आपको डालना है, कैप्चा डालना है और सर्च कर देना है। जैसे आप सर्च करोगे, जैसे यहाँ पर देखिए पहला पेज मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, सर्च करने के बाद जो पहले पेंडिंग दिखा रहा था वो आपका वेरीफाइड या सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे यहाँ पर सर्च करने पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने सर्च किया था आधार केवाईसी स्टेटस क्या लिख रहा था, शुरू शुरू में पेंडिंग लिख रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ नीचे ई प्रमाण वाली वेबसाइट पर गए वेरीफाई करने के लिए। अब जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये पेंडिंग की जगह ग्रीन कलर में सक्सेस या वेरीफाइड लिखेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ई केवाईसी हो चुका है, और ये है पूरा प्रोसेस। और ये करना जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको टैबलेट मिले, तो ये प्रोसेस करना जरूरी है। और आप लोग एक बार अपना ये ध्यान पूर्वक करिएगा, ऐसा नहीं कि किसी और आईटीआई कॉलेज का नाम डाल दिया आपने और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर किसी और डाल दिया। और भी ध्यान देने वाली बात है, कोई बीए का है, कोई अन्य यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहा है, तो यहाँ पर आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम अपने कॉलेज से पूछ लीजिएगा किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, तो उस यूनिवर्सिटी का, जैसे कोई मान लेते हैं कि राष्ट्रीय टंडन से पढ़ाई कर रहा है तो इस पर क्लिक करेगा, और उसके बाद अपना कॉलेज के उसका जो भी नाम आएगा अपने कॉलेज को यहाँ पर सर्च करेगा, उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज से आपको ये पूछना पड़ेगा कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, उसको एंटर करना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये चीज़ें आपकी सही होंगी तभी यहाँ पर आपकी डिटेल दिखाएगा। अगर इसमें इनरोलमेंट नंबर आप गलत डालोगे, कॉलेज गलत सेलेक्ट करोगे या फिर बोर्ड गलत सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर नो डेटा फाउंड आपका कुछ आएगा ही नहीं, फिर वेरिफिकेशन होगा भी नहीं। तो ये काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन थी, आप लोगों तक मैंने पहुँचाने की कोशिश किया है, तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और कोई समस्या है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और आईटीआई से जुड़ी सभी अपडेट्स एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको आईटीआई से जुड़ी ए टू जेड जानकारी मिल जाती है, वो भर्ती की हो, अप्रेंटिस की हो, या फिर आईटीआई एग्जामिनेशन की हो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अपडेट्स ए टू जेड, है ना। तो आईटीआई के फर्स्ट ईयर के जो भी बच्चे हों, अगर आप ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हैं तभी आप ये वीडियो पूरा देख रहे होंगे, और अगर आप चैनल से पहले से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी जरूर एक बार आप बताएं कि अगर वो भी आईटीआई कर रहे हो तो ग्लोबल आईटीआई से जरूर जुड़े। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।